अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मुहिब अली'स फैमिली वीडियोस। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का बटन को लाजमी। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज हम आपको लेकर आए हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी और पुरसकून जगह और तारीख़ी जगह दिखाने के लिए। तो आइए हमारे साथ, देखिए हमारे अंदाज में एक नई जगह। तो चलिए हमारे साथ। तो जी, इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के सामने से। ये आपको जो जाली नज़र आ रही है वो मज़ार की थी, और इस वक्त हम लोग एम ए चीना रोड पर हैं। काफ़ी काम हो चुका है, सुन रहेंगे जून जुलाई तक खुल जाएगा। जहांगीर पार्क नहीं नहीं क्योंकि खाली नहीं होता ये, गाड़ियाँ नहीं नज़र आ रही आपको खड़ी। मुहिब अली, आपको हम बताएं कहाँ जा रहे हैं? नई जगह। हाँ, एक नया स्टेशन खुला। तो जी, मुझे ये रोड भी बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पे हमें मिलती हैं पुरानी इमारतें देखने के लिए जो पाकिस्तान बनने से पहले की हैं। एक तरह से ये हमारी तारीख़ी विरसा है जो हमें सदर में नज़र आता है। ये भाई वो है रेड जोन। आप बोल दो। ये फेरी हॉल है, यहाँ भी काफ़ी लोग आते जाते हैं। अभी भी मेरी गोल्ड कवर लगे हैं। Thank you.
तो जी जनाब, हम आपको लेकर आ गए हैं जिस जगह हमें आपको दिखानी थी। तो जनाब, ये है मोहाटा पैलेस और आज हम आपको इसका खूबसूरत व्यू दिखाएंगे। ये है इसकी गली जहाँ से हम इंटर होंगे। ये बाहर का लुक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी, कुछ इस तरह से है मोहाटा पैलेस के बाहर का व्यू। और जी, इसका ये मेन गेट है और टिकट है जी 30 रुपये। तो ये मंगल से इतवार ओपन रहता है और सुबह 11 से 6 बजे तक आप आ सकते हैं शाम। तो मोबाइल फ़ोन आप अंदर नहीं यूज़ कर सकते म्यूज़ियम के। तो ये है जनाब मेन गेट, खूबसूरत और मेन बना हुआ मेन गेट। तो आज हम आपको दिखाएंगे जनाब मोहाटा पैलेस और इसका खूबसूरत बाग। लिखा हुआ है वो अंदर पूरी वीडियो अलाउ नहीं है, उसका लिखा हुआ। अरे, आपको कैसा लग रहा है ये? तो जनाब, आज आप हमारी नज़र से देखिए मोहाटा पैलेस। पहले मैं आपको इसका चारों तरफ से लुक दिखा दूं कि ये किस तरह का नज़र आता है। तो जनाब, ये बहुत खूबसूरत बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त, और यहाँ बैठ के बहुत खूबसूरत लगता है इस बाग में बैठ के। तो और ये सामने से इस तरह का मोहाटा पैलेस का लुक नज़र आता है। वाकई में महल है, काफ़ी लोग आए हुए थे और यहाँ अच्छा खासा रश था। और जहाँ से जिस साइड से भी आप नज़र दौड़ाएं, बहुत खूबसूरत बना हुआ है, बहुत हसीन लगता है। और यहाँ पे जो गार्डनिंग की गई है तो बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं आपको इसका एक एक लुक दिखा रही हूँ, ये किस साइड से किस तरह नज़र आता है, कैसा बना हुआ है। तो ये मैं आज आपको पूरा दिखाऊँगी कि ये कैसा नज़र आता है। अभी भी यहाँ काम हो रहा है, ऊपर की मंजिल पे मजदूर लगे हुए थे और वहाँ काम हो रहा था। तो ये है इसका चारों तरफ से लुक इसके बाग का, और ये है मोहाटा पैलेस, बहुत सुथरा और बहुत अच्छा रखा गया है इस पैलेस को। ये इमारत बहुत शानदार बनी हुई है और इस इमारत का लुक दोनों साइड से बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत लग रहा होता है जनाब। तो जी, ये है इसका कुछ इंटर, जब यहाँ से होते हैं तो इस तरह का हमें लुक नज़र आता है और फिर हमें यह सामने महल नज़र आता है। तो इस महल की तारीख भी आपके साथ शेयर करेंगे कि ये किसने बनाया था और कब तामीर हुआ ये। तो इसका ये जी ये मेन दरवाज़े हैं, मेन गेट हैं जहाँ से आप म्यूज़ियम के अंदर इंटर होते हैं। और ये बिल्डिंग की लुक है, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है, बहुत ज़बरदस्त जी बनाया गया है, बहुत खूबसूरत पत्थरों का काम है, लकड़ी की खिड़कियाँ हैं जो हमें पुराने दौर में ले जाती हैं, बहुत ज़बरदस्त जी। यहाँ के तो बस दिल खुश हो गया। तो जी, ये जो फ़न तामीर की गई है और जिन्होंने ये बनाया है, तो उनका नाम है जनाब आगा हुसैन अहमद, जिनका ये डिज़ाइन की गई है इमारत। बहुत खूबसूरत इमारत है, इसके दरवाजे, इसकी खिड़कियाँ देखकर मुगलिया दौर की झलक नज़र आती है इस इमारत में। इंडिया और पाकिस्तान का जो कल्चर है वो इसमें नज़र आता है। और यहाँ सफाई का बहुत ख्याल रखा गया है। सामने जनाब छोटे छोटे से रूम्स बने हुए हैं, ये ऑफिस वगैरह हैं। और ये यहाँ से मोहाटा पैलेस दरवाज़ा है। तो जी, ये मेरे पीछे जो आपको इमारत नज़र आ रही है मोहाटा महल, इसके बारे में कहा जाता है कि ये इंडिया के एक ताजिर थे, बरेज़ग़ीर के एक मशहूर ताजिर थे, शौरातन मोहाटा। उन्होंने 1927 में तामीर किया था। मोहाटा साहब बड़े सगे के कारोबारी शख्सियत थे। कैसा लग रहा है बेटा आपको? अच्छा। वही, और अभी आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा।
खूबसूरत इमारत कि आप इसको जितनी दफ़ा भी देखने आपका दिल नहीं बैठता। इसकी खिड़कियाँ, इस पे बने हुए रोशनदान और उन पे भी हुआ है जनाब काम। खिड़कियों पे बहुत ज़बरदस्त, छज्जों पे बहुत ज़बरदस्त काम हुआ हुआ है। यहाँ के पत्थर जो यूज़ किए गए हैं वो सब इंडिया से मंगाए गए थे और यहाँ पे जर्द और पिंक कलर के पत्थरों का काम हुआ हुआ है इस जगह पे। और बहुत खूबसूरत लुक आता है यहाँ का, बहुत पुरसकून जगह है। और ये इसके बैक साइड पे बना हुआ है खूबसूरत बाग है जो बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। तो जनाब यहाँ आ गए हैं बच्चों के मज़े और उन्हें मिल गया है बाहर खेलने के लिए, दौड़ने के लिए। तो वो यहाँ इंजॉय कर रहे हैं और हम आपको दिखाते हैं यहाँ से महल का खूबसूरत नज़ारे कराते हैं। तो जनाब जहाँ से भी खड़ी होती होंगी कितना खूबसूरत लगता होगा, जब वो यहाँ पर खड़ी होती होंगी छत से देखती होंगी तो कितना खूबसूरत लगता होगा ये सोच के ही दिल खुश हो जाता है कि वाह क्या तामीर किया गया है ये बंदा ये महल। जी इस महल के बारे की तारीफ कुछ यूँ है कि बड़े सगीर के एक ताजिर थे जिनका नाम जी शवरतन मोहाटा था और उन्होंने 1927 में ये महल तामीर किया था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये महल उन्होंने अपनी बेगम के लिए तैयार किया था जिनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उनको पुरफिजा मकाम यानी कि समंदर के पास ये महल बना के दिया गया था। तो यहाँ पे अपनी समर वेकेशन मनाने आया करते थे, समर हाउस था ये उनका। अब वो इंडिया से यहाँ आते थे रहने के लिए। तो जी इसकी कुछ हिस्ट्री है जो हमें पता चली है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये खूबसूरत सबा कितना प्यारे लग रहे हैं, हिलता हुआ गुच्छा लटक रहा है, ऐसा लग रहा है फूलों का, इसके अंदर छोटे-छोटे फ्लावर हैं, खूबसूरत लग रहा है। तो जी पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद वो लोग इंडिया शिफ्ट हो गए और ये महल खाली हो गया। तो उसके बाद जनाब यहाँ पे ऑफिस बना दिया गया था, फॉरन ऑफिस। उसके बाद 1964 में यहाँ फातिमा जिना रिहाइश पज़ीर हो गई थी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिना की जो बहन है वो यहाँ पे रिहाइश पज़ीर हो गई थी। और उनके इंतकाल तक ये घर अभी ऐसे बात कर रहे हैं, अभी इधर देख के बात करो। आ जाइए, यहाँ पे तोते हैं अभिया, यहाँ देखो छोटे छोटे तोते। तो जी हम इस वक्त मौजूद हैं मोहाटा पैलेस में और आपको दिखा रहे हैं मोहाटा पैलेस की खूबसूरत सी इमारत। तो जी यहाँ पे बने हुए हैं कुछ पिंजरे हमारे पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे जिसमें मोर और तोते हैं। और बच्चों के लिए तो जी इंटरेस्टिंग जगह हो जाती है ऐसी जहाँ पे कुछ जानवर हों। तो जी म्यूज़ियम के अंदर क्या है उसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊँगी क्योंकि फ़ोटोग्राफी सख्ती से मना की गई है अंदर, क्योंकि म्यूज़ियम के अंदर आपको पहले अपने मोबाइल वगैरह जमा करवाना पड़ते हैं काउंटर में, फिर आप अंदर दाखिल होते हैं
और मैं आपको अंदर का अहवाल इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर आपकी दिलचस्पी ख़त्म हो जाएगी। आप खुद आएँ और अंदर से देखें और इसको महसूस करें कि ये कैसी जगह है। तो जी यहाँ अभी हम जब ऊपर का पोर्शन हमने भी नहीं देखा क्योंकि काम हो रहा था और वो बंद था, तो नेक्स्ट टाइम दोबारा आएंगे देखने के लिए इंशाल्लाह कि ये ऊपर का कैसा बना हुआ है। और फैमिली के साथ ज़रूर आएँ और इस जगह को देखें कि कितनी खूबसूरत है बनी हुई है। तो जनाब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ करीब से इसके पत्थरों का लुक। तो जनाब ये पत्थरों को तराश के डिज़ाइन बनाया गया है और बड़े बड़े पत्थर इसके पिलर्स में लगाए गए हैं। बहुत खूबसूरत इसको जी तामीर किया गया, बहुत ज़बरदस्त इसका डिज़ाइन है। और जी ये है इसके मोकले टाइप के जो रोशनदान बने हुए होते हैं, ये वो हैं। और ये बता रहे हैं कि अंडरग्राउंड भी इसकी इमारत थी, अंदर बना हुआ है कुछ। और कहा जाता है कि जी एक सुरंग सी थी जो 1 किलोमीटर दूर मंदिर तक जाती है यहाँ से, क्योंकि उनकी जी मोहाटा साहब की वाइफ इस अब वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ उस मंदिर जाया करते थे उस सुरंग के ज़रिए। लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है दोनों तरफ से। तो जनाब फातिमा मोहतरमा फातिमा जिना के इंतकाल के बाद कहा जाता है कि 30 साल ये महल बंद रहा और काफ़ी यहाँ पे टूट फूट हो चुकी थी, काफ़ी इमारत की हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन फिर हुकूमत सिंध ने हुकूमत पाकिस्तान ने इसे अपने अंडर में लिया और 1995 में जनाब इसको दोबारा से रिन्यू किया गया, इसको दोबारा से इसकी असली हालत में लाया गया और इसकी अपनी ही कलर पिंक और येलो कलर से इसको दोबारा वो किया गया, बनाया गया। तो जनाब उसके बाद 1999 में इसको दोबारा आवाम के लिए खोल दिया गया और एक म्यूज़ियम का दर्जा दे दिया गया और आज के सब यहाँ आ सकते हैं और इस खूबसूरत महल को देख सकते हैं। कैसी लगी आपको ये जगह? आप लोग थक गए? अच्छी अच्छी मज़ा आया? हाँ। अभी हमको तो पसीने आने लगे, गर्मी हो गई है भाई। तो जी उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आएगा और मुझे कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा और अब हमें और कहाँ जाना चाहिए, कौन सी जगह आपको विज़िट करवाना चाहिए। तो जी ये था हमारा आज का व्लॉग मोहाटा पैलेस में, दीजिए इजाज़त इसके साथ ही, अल्लाह हाफिज़ हमारी तरफ से। और दूसरी बात ये है कि हम इसके बाद कहाँ गए थे मोहाटा पैलेस के बाद, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।
वहीं जाओ मोई, वहीं जाओ मोई। फन टाइम। बस कपड़े गंदे होना शुरू हो गए हैं। अब ये मैंने आपको रिकॉर्ड कर लिया, आप जो कर रही हैं ना, ये अब आपकी हरकतें रिकॉर्ड हो गई हैं। डिस्टेंस कवर हो गया, पापा आ गए पीछे। रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। आप तो नीचे करो, रिकॉर्ड हो रहा है। अब थोड़ा बाहर निकलो, दब गई। बिहाइंड द सीन्स नहीं जा रही ना उम्मा, प्लीज रिकॉर्डिंग मत डाल देना। उधर कर दो, मोटर पहले इसकी तरफ कर दो, एकदम से हाथ घुमा दे। इसी 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 ऐसे थोड़ी है। हाँ ये कह रहा है, ये वो आया नहीं, फुआरा और वो। कितना पुराना पेड़ है ये देखो, और इस पुराने में से नया पेड़ निकला है। वही देख रहे हो, ये पुराने पेड़ के अंदर से नया पेड़ निकला दूसरा। हाँ होता है, होता है, होता है, बहुत अच्छा। जड़े देखो, जड़े। हाँ जड़े, जड़े निकलती है, बड़ी हो गई जड़े हजार सालों तक। ये इनके गेट है, एग्जिट बंद। और ये बाहर से इसका खूबसूरत सा लुक, और बहुत ज़बरदस्त ये कलर वगैरह करके इसको मेंटेन किया गया है। और काफ़ी लोग यहाँ आ रहे थे, फॉरनर्स भी आ रहे थे देखने के लिए। तो ये काफ़ी बहुत अच्छी जगह है, आप अपने बच्चों को यहाँ ज़रूर लेकर आइए। और नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा कि हम इसके बाद यहाँ से कहाँ गए और कौन कौन सी जगह हमने देखी। तो जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।